are listening to Hot FM 105 Radio Network. और जब हम एक दफा फिर आपके साथ हैं, एक घंटा 12 बजे तक तकरीबन हम आपके साथ रहेंगे। और हमने आज दो फिल्मों के गाने आपको सुनाए। पहले हमने नया सवेरा 1970 की रिलीज, और उसके बाद हम आपको सुना रहे हैं फिल्म बेस्ट 1974 की फिल्म है। पहली फिल्म 70 की थी और ये 74 की है। और अभी कुछ ही देर में हम आपकी फरमाइश का सिलसिला भी करेंगे और आज ट्रिब्यूट देंगे हम एक बहुत बड़े फनकार को, उनके गाने हम आपको सुनाएंगे। और इस वक्त से मैं आपको रीकैप देना चाहता हूँ पिछले घंटे में हमने कौन से गाने आपको सुनाए हैं, उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ न रह पाए किसी वजह से। आप ड्राइव कर रहे थे, बस में थे, वैगन में थे, रिक्शा में थे, टैक्सी में थे, और अब आप घर पहुंचे हैं या अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं और वहां पे जाके अपने रेडियो ट्यून इन किया है हॉट 105, क्योंकि रेडियो ट्यून इन वही किया जाता है जो आपका मन चाहा होता है। और हॉट 105 आपका मन चाहा रेडियो स्टेशन है, जिसे हम कहते हैं द नंबर वन रेडियो। हमने पहला गाना जो सुनाया था नया सवेरा का गाना, हमने दिल तुम्हें बनाया, और गाना नंबर दो गाना नंबर तीन ए जिंदगी, मैंने तेरे हर मोड़ पर नामन गमों का छोड़ कर। और सब ये रहा गाना नंबर चार, जैसे बार बार हमसे मिल चुके हो तुम, हो सके तो आज भी उसी तरह मिलो, हो सके तो आज भी उसी तरह मिलो, क्यों नहीं मिलते फिर हो तुम, हो सके तो आज भी। सब गाना नंबर पाँच, ये पांच गाने हमने फिल्म नया सवेरा के आप तक पहुंचाए, आपको सुनाए, आपकी यादें ताजा की। और उसके बाद फिल्म बहिष्ट के गाने हमने शुरू किए, गाना नंबर पिछले घंटे का गाना नंबर छः। और ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। और तीन और चार के बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हम अगले गाने की तरफ बढ़ जाते हैं, गाना नंबर सात, नकाब तो उठाइए। और कुछ लोगों के नकाब ऐसे हटते हैं कि इंसान दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है कि कैसा सोचा था और कैसा निकला। आठवां गाना, नवा गाना, मैं जो कभी होता। फिल्म बहिष्ट 1974 की फिल्म, इसका गाना आप सुन रहे हैं। और 10 नंबरी गाना ये रहा, रात रात भर काटे न क्यों खुशी थे, जज़ाकअल्लाह। ये रात कर्ज हमने, खान साहब मेहदी हसन की आवाज आप सुन रहे हैं 10 नंबर पर। और 11वां नंबर ये गाना हम आपको सुनाएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन इस वक्त हम आपको आवाज पहेली की तरफ ले जाते हैं एक मर्तबा फिर। डैडी, ये यही तो है जिन्होंने तुम्हें बचा लिया और यहाँ तक लिया है। यस, वो घोड़े से गिरते वक्त। थैंक यू। हम अपने वसन का नाम पूछ सकते हैं? जी, मेरा नाम जमील, मलिक सुल्तान का बेटा। मलिक सुल्तान, सुल्तानपुर के जागीरदार? जी ना बादशाह। वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से है। हाँ, खूब याद आया, तुम गालिबन तालीम के लिए। जी हाँ। यू आर लिसनिंग टू हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क। ये तीन आवाजें मैंने आपको सुनाई हैं, दो आवाजें आपकी ज्यादा जानी पहचानी हैं, मर्दाना आवाजें, और एक निस्वानी आवाज भी है जो बहुत मारकतुल्लारा फनकारा है, फिल्म इंडस्ट्री की अपने अहद की बहुत ही मजबूत करेक्टर एक्टिंग करने वाली।
और ये आवाज़ आप में से कोई दो तीन लोगों ने पूछ ली है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं पूछ पा रहे हैं। हमें हमारे दोस्त, बहुत ही दरीना दोस्त गुलाम साबिर और रशीद खान भी सुन रहे हैं, कहते फिल्म नया सवेरा रिवाली सिनेमा कराची में हमने देखी थी, जबकि बहिश्त फिल्म जो थी वो कोहिनूर सिनेमा में देखी थी। और आवाज़ें कह रहे हैं कि आपने भी जो दो आवाज़ें बताई हैं, तीसरी आवाज़ जो है एक खातून की आवाज़ थी, वो आपने नहीं पहचानी है, कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा फिर। और अरसलान साहब का जवाब भी गलत है। इसके बाद सैयदा कमल कहती हैं, रेगुलर लिसनर हूं मैं जी, बिल्कुल आप यकीनन है, और कहती हैं कि ये आवाजें हैं, नहीं आपने जा भी लिखा है लेकिन अभी भी आप दो आवाजें आपने पहचान ली हैं, लेकिन तीसरी आवाज आपने नहीं पहचानी। आपको मैंने अभी फिर से सुनाई है ये आवाजें, और आप कोशिश कीजिएगा फिर से। और कहती हैं सभी लिसनर्स को हमारा सलाम पहुंचे, अकबर साहब बल्दिया टाउन में, और आपने तीसरी आवाज संगीता की बताई है, जबकि संगीता की आवाज हरगिज नहीं है। और बरकत अली का एक दफा फिर मैसेज आया है, कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें। नहीं अभी आपने नाम, तीसरा नाम भी सही नहीं लिखा है, लेकिन साथ साथ कहते हैं जी आप जाने का कहकर हमें क्यों हमारा इम्तिहान लेते हैं। भाई जरा सा मैंने जोक किया है, जरा सा सीरियस हो गया मजाक मेरा ख्याल है, क्योंकि फौरन ही मैसेज आ गया बुखारी सैयदा का, हमारी दरीना लिसनर हैं, हमारी बहुत म्यूजिक का बहुत फहम रखने वाली, समझ रखने वाली। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जिंदगी बखैर। अरे अरे ऐसा मत कीजिएगा, धमकाते नहीं अपने चाहने वालों को, हम सुन रहे हैं मगर हाजिरी नहीं लगवा पा रही थी, ऐसा करेंगे तो कौन आएगा। तो फिर तो आप तो आ गई ना। फिर इधर हनीफ नकद साहब भी हमारे आ गए, ये भी हमारे दरीना दोस्त हैं, और कुछ प्रॉब्लम है, इनके दोस्त बहुत अजीज दोस्त मोहम्मद अली अंसारी साहब का इंतकाल हो गया सुबह, और बड़ी पुराने उनके दोस्त हैं, 1968 से 54 साल दोस्ती, बहुत हसीन दोस्ती रही, और एक दूसरे के गम में और खुशी में शामिल रहे। उनके लिए हम भी दुआ करते हैं नकदा साहब, अल्लाह ताला उनकी मकबत फरमाए। इसी वजह से आज वो प्रोग्राम सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये प्रोग्राम फेसबुक पे ज़रूर डाल देते हैं, वहाँ पे जाके आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। एनीवे हम आगे बढ़ जाते हैं जी। अब इसके दो गाने जो रह गए थे, तीन गाने रह गए थे, ये बहुत ही मकबूल गाना, और मुझे ज़ाती तौर पे नूर जहाँ की आवाज़ सुनिए और सरधनिए। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े जो दावे करने वाले हैं मोहब्बत और प्यार के, फिर क्या होता है, क्यों जुदा हो जाते हैं। फिर नूरे जहां को जहमत दी जाती है कि आइए हमारे जज्बात की नुमाइंदगी कीजिए और हमें भी रुलाइए और दूसरों को भी रुलाइए।
असल में बात है, निचोड़ इस गीत का यही है कि नियत अगर हो, विल अगर हो, तो फिर कोई चीज भी दूर नहीं हो सकती है। फिर ऐसी सूरत में जब सवाल किए जाते हैं तो क्या जवाब क्या मिलता है। क्यों पूछते हो, क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। क्यों पूछते हो, क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ, कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता हूँ, मरता भी उसी की खातिर ही, मैं जिस लिए जीता हूँ, शायद के कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। मैं हूँ के सुलगता रहता हूँ, मैं हूँ के सुलगता रहता हूँ, बुझता भी नहीं, जलता भी नहीं, दिल है सहबजियां। मोहब्बत जो है ये कमजोर दिल वालों का खेल नहीं है, इसमें अज़्म चाहिए, इसमें इरादा, मजबूत इरादा चाहिए, मंजिल को पाने का पक्का इरादा चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसी तरह से इंसान जब किसी की मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है,
तो फिर कहीं का नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि मजबूत इरादा आपको मंजिल मकसूद पे पहुंचाता है। अगर पहले ही हार जाएं, रास्ते में ही आप छोड़ जाएं, तो वो इंसान भी क्या इंसान है। दोस्तों, फिल्म बहिश्त के गाने मैंने आपको सुनाए हैं और मैंने आपको और चांद सितारे ही सब रह जाते हैं जो साथ देते हैं। और अब मैं दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो आप धुन सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं आज वहीद मुराद मरहूम को। कलेजा मुंह को आता है जब हम वहीद मुराद को चश्मे तस्वीर में देखते हैं। 1938 में पैदा हुए, 2 अक्टूबर 1938 सियालकोट। और याद रहे कि सियालकोट मेरा भी जन्म शहर है। सब अजीम लोग कहते हैं सियालकोट में ही पैदा हुआ, लेकिन वहीद मुराद ने साबित कर दिया साहब कि वो अल्लाह ताला ने बनाया ही उसे इसलिए था कि वो फिल्मों में आए और लोगों पर कयामत बन के टूट पड़े। और उसका काम शायद यही था। कभी आपकी भी मुलाकात हुई होगी किसी फिल्म स्टूडियो में, कोई आपसे याददाश्त आपकी हो तो आप हम ऐसा शेयर कर सकते हैं। 23 नवंबर 1983 में उनका इंतकाल हुआ था और सफ़े मातम बच गई उनके चाहने वालों में, यकीन आया। लेकिन इससे पहले जो उनकी जिंदगी रही आखिरी अयाम में, आखिरी माह साल में, वो भी बड़ी तकलीफ दे रही। ख़ादिन रज़ा से आप मेरे साथ रहेंगे 12 बजे तक और मैं आपको वो गाने सुनाऊंगा जो वहीद मुराद पर पिक्चराइज हुए थे, उन पे फिल्म बंद हुए थे, उनकी अव्वलीन फिल्म का गाना। गोरी सिमटी जाए शर्म से, दिल का भेद छुपाए हमसे जाने वाले। ये गाना हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको मैसेजेस को शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। बाबर एजाज साहब कहते हैं, बाबर एजाज इलियास गोट वहीद मुराद है नहीं, हाँ वो तो आपने सही बताया है, लेकिन आपने नाम जो है शमीमरा कह दिया, शमीमरा की आवाज नहीं है बाबर साहब। बरकत अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश हैं। मौत ही जुदा कर देती है मोहब्बत करने वालों को जैसे हम, खुदा ना खास्ता। ऐसा क्यों आपने कहा, चलिए कभी आपकी कहानी सुनेंगे। फजलुर रहमान है, फजलुर रहमान फ्रॉम मलीर, मलीर में है। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं मुजफ्फर भाई, वहीद मुराद नहीं, आपने दो नाम सही लिखे हैं, नहीं एक नाम सही लिखा है, दो नाम आपने गलत लिख दिए हैं। एक और दोस्त हैं, ये हैं जी शाहनवाज बहरिया टाउन में, आपने दो नाम सही लिखे हैं, लेकिन खातून फनकारा का नाम आपने सही नहीं लिखा है। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार, रेहाना मुजफ्फर भाई अस्सलाम वालेकुम। अर्ज भाई, धमकी नहीं शो छोड़कर जाने का, नहीं शो करने का, ये आवाज है। अच्छा खैर, जो भी आपने लिखा मुझ तक पहुंच गया है, लेकिन आवाज रानी बेगम की हरगिज नहीं है। आप फिर से कोशिश कीजिएगा, मैं भी आपको दोबारा ये आवाज सुनाता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट है हमारी, आखिरी मरतबा हम आपको ये आवाज पहली सुनाते हैं, लेकिन अगर आपने बीच में फरमाइश कर दी दोबारा सुना तो आंकड़ी कर ले, फिर सुना देंगे हम आप। यही तो है। ये आवाज है शुरू में निस्वानी आवाज जिसने रफड़ डाला हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा एक दफा फिर। घोड़े से गिरते डैडी, ये यही तो है जिन्होंने तुम्हें बचा लिया और यहाँ तक लिया है। ओ यस, वो घोड़े से गिरते वक्त, थैंक यू। हम अपने मौसम का नाम पूछ सकते हैं? जी, मेरा नाम जमील,
मलिक सुल्तान का बेटा। मलिक सुल्तान, सुल्तानपुर के जागीरदार? जी नवाब साहब, वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से। सुल्तानपुर का जागीरदार जो है, ये जागीरदारों ने एक मुसीबत डाली हुई है हमें। आपको मैंने अब ये आवाजें सुना दी हैं, एक मरतबा फिर कोशिश कर देखिएगा कि सोच लीजिएगा कि किसकी ये खातून कौन है। बरकत लिए आपका शुक्रिया। फरमाइश है सलीम रजा की आवाज में भूल है कुछ, पूछते हैं मैं किस लिए। अच्छा, वो गाना भी एक है जी हाँ, सलीम रजा की आवाज में है, गुलबदन। आपने सही कहा, मैंने भी वो गाना सुना तो मुझे याद आया कि ये गाना लिखा हुआ भी उन्हीं का है, उसी शायर का है, लेकिन ऐसा होता है। खवातीन वज़ीरात, अब मैंने जो गाना आपको सुनाया था, हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं जी वहीद मुराद मरहूम को। जाए शर्म से दिल का भेद छुपाए हम से जाने वाले जान गए। 1964 की फिल्म है हीरा और पत्थर। जान गए डोरी सिमटी जाए शर्म से दिल का भेद छुपाए हम से जानने वाले जान गए। शोक अदा पहचान गए। चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं कुछ गाने आपको पूरे सुनाऊंगा और कुछ गानों की बहस झलकियां आपको याद दहानी के लिए, चाहे वो चेहरा आपकी नजरों के सामने आ जाए जिन पर ये गाने पिक्चराइज हुए थे। दुआ भी फरमाइएगा वहीद मुराद के लिए, वो तो दुआ के काबिल ही था, ऐसा चला गया कि छोड़ के ही चला गया। ये सारे फनकार साहब, अहमद रुश्दी, वहीद मुराद, जिनकी आवाज बड़ी फिट होती थी, मेहदी हसन, नूर जहां, माला बेगम, निगाहों से बच के कहीं भी तुम न जान पाओगी, तुम न जाने पाओगी हमें देख। इस गाने में गोरी सिमटी जाए शर्म से, ये शर्म से सिमटी सिमटी हुई गोरी थी ज़ेबा बेगम, और अब ये गाना। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं, तुम वही हो लो तुम्हें आज। दोस्तों आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, HOT लिखिएगा, मैसेज ऑप्शन पे जाके HOT हॉट एक स्पेस देना है और अपना नाम और हमारी आवाज पेडी का जवाब 8881 पे आप भेजेंगे हमें। कलेजे पे टहलते देखा तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं, तुम वही हो। कुरंगी में उमर साहब हमें सुन रहे हैं जी, आपका जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है साहब। जिसको सीने में धड़कते हुए अक्सर पाया, जिसको तन्हा अपनी हर सांस को चलता हुआ खंडहर पाया, तुम वही हो। सभी मकबूल गाने जो थे वो वहीद मुराद ही के थे उनके ऊपर, और अब ये गीत। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो। मुझको शर्म नजमा नियाजी हैं अहमद रुश्दी के साथ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये भी हमने गाना लिया हीरा और पत्थर से। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी तो ढूंढिए, कहीं मिल जाएगी आपको, जरूर देखिए। तुम्हें क्या खबर
जाने का दिल पे असर कर गई। एक अता तुम्हें क्या पता, चुपके से इस दिल में घर कर गई। आने लगा है जीने का मुझको मजा, कभी तुम भी तो कह दो जरा। लगे मुझको शर्म तुमसे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और ज़ेबा बेगम और वहीद मराद पर बहुत ही जचा है। दिलदार खान लैंडी में हमें सुन रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है साहब। एक बार जरा धीरे। डॉक्टर नदीम आपने लिखा है आसिया बेगम, नहीं आसिया की आवाज भी नहीं है। और इजाज इलिया साहब गोट वहीद मुराद तालिश, नहीं तालिश भी नहीं, दोनों नाम आपने गलत लिखे हैं। अब वो गीत जो बेहद मकबूल रहा, दिया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, अट्रिब्यूट टू वहीद मुराद। दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। सुपरहिट फिल्म थी शमी मारा और वहीद मुराद की, दिया है जो दिल मेरा धड़कन तेरी निभाना, रख दिया कदमों में 1968 की फिल्म, कबूल कर लो। बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज हुआ ये गाना वहीद मुराद और शमी मारा पर, आपने देखा है क्या? देखो ये फजाएं, ये रुत ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी है। कैसे जाने तू मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समय सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर कबूल कर लो। राजा ज़ुल्क़रनैन के यानी आपका बेहद शुक्रिया, सबको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अब मसूद राणा, इसी फिल्म का एक और सुपरहिट सॉन्ग, और हशमत अली साहब हमें हैदराबाद में सुन रहे हैं और उनकी बेटी की फरमाइश है, वो फरमाइश आज हम पूरी नहीं कर पाएंगे, माजरत हशमत साहब। इंशाल्लाह नसीम बेगम के गाने जब सुनाएंगे तो वो गाना शामिल करेंगे। सब फिर करार आ गया मैडिसन साहब की आवाज। मैं जब इन फनकारों को प्ले करता हूं तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है। जीवन के वो दिन बचपन के, हमारा इनका साथ छूट गया। जीवन के याद, अब हमारी जिंदगी में कैसे कैसे बेसुरे लोग आ गए, मजबूरी है। बन बन के हो दिन बचपन के। बुखारी सैयदा बेहद शुक्रिया आपका। '74 की फिल्म है प्यार ही प्यार। कागज के ओ न
बचाना, जागती आँखों देखना सपना, सपना कब होता है अपना, साथी छूटे सारे टूटे रिश्ते तन मन के साहब। आप मुझे फोन कर रहे हैं तो براہ کرم आप मुझे फोन ना कीजिए, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। प्रोग्राम सुनिए और सर दुनिया इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने हिट आफ्टर हिट आप सुन रहे हैं गाने जाने अनजाने और मैं हूं मुजफ्फर अहमद आपके साथ हैं। दिस इज हॉट 105। आज भी मुझको उस हसी शाम का मंजर दिल जहां मैं निहारा था, मैंने तुमको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर, हम इसी नोड पर इस जगह तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर छोड़ कर तुम ना जाओगे। अंदालो लिसन टू दिस वन, मेरा पसंदीदा गाना है। लज्जते सोजे जिगर पूछ ले परवाने, कैसी कैसी यादें जुड़ी हैं साहब वहीद मुराद से, उनकी फिल्मों से, उनके गानों से। पूछ ले परवाने से शम्मा का नाम है रोशन से, जो सारे फनकार जो चले गए हैं कोई अपना नेमुल बदल छोड़ के नहीं गए हैं, अब कोई दूसरा मेहदी हसन, कोई वहीद मुराद, कोई अहमद रुश्दी, कोई नूरे जहां, कोई माला बेगम। और दोस्तों अब फिल्म इंसानियत का ये खूबसूरत गीत है। जाने बाहर जाने तमन्ना तुम ही तो, एक मर्तबा फिर वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम। बाहर जाने तमन्ना तुम ही तो, दिल ने समझ लिया जिसे अपना। बाबर जान साहब बहुत शुक्रिया, आई लव यू टू, बल्कि थ्रू टू थ्री फोर, बहुत शुक्रिया आपका बाबर साहब। रफाक खोसर साहब कश्मीर से हमें सुन रहे हैं। ये हुस्न ये शबाब तेरा बेमिसाल है, ये हुस्न ये शबाब तेरा बेमिसाल है, शायरी कहानों का ख्याल है, जिसने कदा में प्यार बखेरा तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। ट्रिब्यूट टू वहीद मुराद, 39 years, 39 बरस बीत गए, कल की बात लगती है साहब। ये
दिल सजा दे। निसार बजमी की दिलकश धुन। तेरा शुक्रिया मेरे दिल की महफिल सजा देने वाले, तेरा शुक्रिया दोस्तों। इतने गाने हैं वह हिजमरात पर जो पिक्चराइज हुए हैं कि इंतखाब करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाशमी साहब, जिस गाने के बारे में आपने कहा है वो गाना शायद मैं आज ना सुनवा सकूं, लेकिन आइंदा प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे। और तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मां। फिल्म दो रहा 1967। बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, फयाज मिनाज बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसके लिए दुआगो हैं। और रुबीना साहबा, आपकी तबीयत के बारे में भी तश्वीश ही, अल्लाह ताला आपको जल्द से हिजाब करे, बहुत सारी दुआएं हमारी। ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा। ऐसे गानों पे वही मराद मरहूम की परफॉर्मेंस काबिल दीद होती थी। बता दूं तुम मेरी मंजिल, कोई कुदरती को नेचुरल उनका अंदाज था, उसमें कोई अदाकारी नजर नहीं आती थी। और अब रजब अली को सुनिए। कदम लड़ खड़ाए नशा हो गया है, कदम लड़ खड़ाए नशा हो गया है, नहीं दिल पे काबू ये क्या हो गया है, कहीं उस नजर का असर तो नहीं है, कदम लड़ खड़ाए। सैयदा कमल, आपका जवाब अभी भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी हम इसका जवाब देंगे, आपको सुनती रहिए। बरकत अली, इसका जवाब हम इतवार को देंगे आपके सवाल का। निगाहों में एक चांदनी सी खिली है, निगाहों में एक चांदनी सी खिली है, ना हो जाऊं पागल खुशी वो मिली है, हर एक शय जवां है, हर एक शय हसी है, कहीं उस नजर का असर तो नहीं है, कदम लड़ खड़ा। जनाब, ये गाना हमने फिल्म बंदगी से किया था और अब आपको ये गाना सुनाते हैं। तुमने क्या कह दिया, हमने क्या सुन दिया, इस बारिश पे कर दे तो मर जाएंगे। हमने जो कह दिया, माला बेगम और अहमद रुश्दी, वहीद मुराद और शमी मारा पर ये आखिर क्या बात कह दी वहीद मुराद ने शमी मारा के कान में, और उसे क्या समझ लिया क्या, और मरने पर क्यों सुल गए दोनों,
ये राज की बात है, आपके दरमियान भी कभी हुई होगी। मंजिलों की हमें रोशनी मिल गई, मंजिलों की हमें रोशनी मिल गई, गीत हो तो आकर चलने लगे। जनाब कभी कभी आग लगती है तो तड़पा भी जाता है, ये वो आग नहीं होती जो जला के भस्म कर देती है, ये आग ये है। आग लगाए ओ मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम। नागमणी 72 की फिल्म है। सपनों में आए एक अलबेली नार है रानी बेगम, और एक अलबेली सिनार चाहने वाले एक अलबेली सिनार झमाझम। ये आग गर्म नहीं होती साहब, ये मीठी मीठी आग होती है, बहुत अच्छी लगती है। रूप की अग्नि जल को जलाए हो, जल को जलाए लहरों में गोरी हलचल मचाए, झलके नजरिया से प्यार रे झमाझम, झलके नजरिया। हॉट 105 पेश कर रहा है खराज अकीदत, ट्रिब्यूट टू वहीद मराद। और अब दूर रहो तेरी कसम, 69 की फिल्म है माँ बेटा। तुझसे तो एक पल दूर रहो तेरी कसम, तुझसे तो एक पल दूर रहो तेरी कसम, जिंदा रहो। सर जी कंपोजिशन है मास्टर इनायत हुसैन की, जो खुद बोल रही है बता रही है, आप तो जानते हैं। सब कुछ और गाने हैं, वक्त बहुत कम है, मैं आपको आवाज पहेली का जवाब दिए देता हूँ। यही तो है जिन्होंने तुम बचा लिया और यहाँ तक लिया है। सबसे आवाज है अदाकारा हुस्ना की, और दूसरी आवाज है अलाउद्दीन की, और तीसरी आवाज है वहीद मुराद की। हम अपने वासन का नाम पूछ सकते हैं? जी मेरा नाम जमील, मलिक सुल्तान का बेटा। मलिक सुल्तान, और अब आइए आगे बढ़ जाते हैं। मुजीब आरम, वादा किया था आने का अपना, वादा निभाने आ जाओ। और इससे पहले जो मैंने गीत सुनाया था, ये गाना दूर रहूं
फिल्म थी राजा की आएगी बारात। मैंने गलत कह दिया, अब आपको हम ये आवाज सुना रहे हैं। मुजीब आलम की 69 की फिल्म है माँ बेटा। तुमने वादा किया था फिल्म सालगिरह को याद कीजिए। को तेरी घटाओं का प्याम आया है, उल्फ को तेरी घटाओं का प्याम आया है, हुस्न को तेरे बहारों का सलाम आया है, उल्फ को तेरी घटाओं का प्याम आया है। अब के कलियों ने बहुत याद किया है तुझको, अब के कलियों ने बहुत याद किया है तुझको, बल्कि मौसम ने भी पैगाम दिया है तुझको, एक पपी है कि जबान पर तेरा नाम आया है, एक पपी है कि जबान पर तेरा नाम आया है, हुस्न को तेरे बहारों का सलाम, हुस्न को तेरी बहारों का सलाम आया है। उठ गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की महकार, बता क्या यही है तेरा। ये मोहब्बत के वाकयात की आखिर क्यों ऐसे होते हैं, लूट लिया क्यों आंसू बहते हैं, क्यों रोते हैं। साहबों, मेरे पास बहुत सारे गाने हैं जो वहीद मुराद पर फिल्म बंद हुए थे, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त इजाजत नहीं देता है। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, ये गुजरा हुआ ख्याल हमें याद दिलाता है। अकेले न जाना, yeah।
लोगों को रोकने वाला था वो चला गया, और उसको गिला था, उसको शिकायत थी, तो ये थी। मुझे तुम नजर से गिराओ तो रहे। कहो दिन उजाद इसी गाने के साथ, इसी गीत के साथ अब मुजफ्फर अहमद को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात इंशाल्लाह संडे मॉर्निंग विद लेजेंड में सुबह 11 बजे होगी। अल्लाह हम सब का हाफिज और नासिर हो। मुझे तुम कभी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, आप सबकी दिलचस्पी का, मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज और नासिर, शब खैर और अलविदा। मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से।